चलिए अब आ ही गए तो क्यों ना एक धमाका और करा दिया जाए, का हो? जी हाँ, धमाका डांस और मनोरंजन का। तो चलिए बुलाते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को, और उनके साथ में आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अक्षरा सिंह जी। तो जोरदार तालियां हो पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह जी के लिए। जिंदगी झंडवा पर फिर भी घमंडवा। क्या बातें करन, बहुत चहक रहे हो भाई। मोहली कुछ ऐसा है कि कोई भी चहक उठेगा। इफ्फा के इस इवेंट में देखो कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, और चहक में खनखनाहट जुड़ जाती है जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे साथ खड़ी हो। खनखनाहट, तुम्हारे सिम्टम्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे डायलॉग्स तुम हर दूसरी लड़की के साथ आजमाते हो। तुम बचपन से ही ऐसे हो या खूबसूरत माहौल देखकर और लड़कियां देखकर ऐसे आशिकाना बन गए हो? देखिए बचपन से तो नहीं, जब से गोविंदा जी की फिल्में देख रहा हूँ तब से कुछ ऐसा हो चुका हूँ मैं। यानी कि लोग सच कहते हैं। क्या सच कहते हैं? कि पूट के पाव पालने में ही पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ आम जीवन में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी है कि पूट के पाव पालने में ही पहचान में आ जाते हैं। और ऐसे ही एक्टर्स के लिए हमारा अगला अवार्ड है इफ्फा बेस्ट डेब्यू अवार्ड। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी अमरजीत मिश्रा और अंजना सिंह को। इफ्फा 2017 अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू गोज टू शिविका दीवान। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ, और हमारा अगला अवार्ड है इफ्फा बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल। एंड द अवार्ड गोज टू माय लवली फ्रेंड शुभी शर्मा। Thank you.
कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सभी को धन्यवाद। और अभय जी, थैंक यू सो मच कि आप भोजपुरी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आए। थैंक यू सो मच। हमारा अगला अवार्ड है इफा बेस्ट एक्टर एंड सपोर्टिंग रोल मेल, एंड द अवार्ड गोज टू मनोज टाइगर। बात है सर, आप मनोज टाइगर जी तो नहीं है, बट नहीं, क्या नहीं, मनोज जी नहीं है, ये मनोज जी नहीं है ना, बट टाइगर की तरह उछल कर आया अवार्ड देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। करण, तुमने बहुत सारे रीजनल फिल्म्स देखी है ना जी, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? अरे पूछो ना। रीजनल और बॉलीवुड फिल्मों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अरे बहुत अंतर है यार। पहला अंतर तो मसाले का है, क्यों भाई, सही कह रहा हूं मैं, है ना? लेकिन जो दूसरा अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर है, और ये है कि रीजनल फिल्मों का अपना एक इतिहास है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और उनकी परछाई है इसमें। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो बात है अपनी मिट्टी की खुशबू।